हेलो एवरीवन दिस इज पवन शर्मा बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स फॉर एटीन ऑफ अप्रैल लास्ट जो हमारा वीक था उसमें थ्री ट्रेडिंग डेज थे और इनफैक्ट ग्लोबली फोर ट्रेडिंग डेज थे बिकॉज गुड फ्राइडे की वजह से ग्लोबल मार्केट वाज़ इवन क्लोज सैटरडे को एक मेजर डेवलपमेंट हुआ और उसमें था एच बैंक का रिजल्ट एच बैंक ने ट्वेंटी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पोस्ट की है प्लस एक अच्छी बात 29 नाइन परसेंट डेप जो है वो बैड लोन में भी किया है इसका मतलब उनके एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और ये एक जो रिज़ल्ट है ये मार्केट को चेरिश कर सकता है बिकॉज आपको पता है कि एस डी ट्विंस दोनों मिलके निफ्टी को पुल कर सकते हैं और निफ्टी को राइज भी करा सकते हैं लेकिन उसके पीछे जो कुछ हर्डल्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं उस तो हम ये मान सकते हैं कि जो मंडे हमारा रहेगा वो थोड़ा सा स्लो स्टार्ट रहेगा क्योंकि उसमें हर्डल भी हैं उन हर्डल को डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस वक्त हमारे पास सेवनटीन का मैक्सिमम सपोर्ट है ओ के बेसिस पे मैक्स सपोर्ट एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओ करंट क्लोजिंग है 14,475 की सॉरी 17,475 की विच मीन्स इस टाइम पे निफ्टी को सेवनटीन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है और ब्रेक करने के बाद में उसके ऊपर सस्टेन कर लिया दैट वे इट कैन रीच टू सेवनटीन सिक्स फिफ्टी और वापस से एट हंड्रेड ये टारगेट रहेगा हमारा वेन निफ्टी विल ब्रेक सेवनटीन फाइव हंड्रेड और उसके बाद में हमारा पहला टारगेट रहेगा सेवनटीन सिक्स फिफ्टी और एट हंड्रेड लेकिन अब नीचे की तरफ भी बात करते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो है मार्केट उसके नीचे क्लोज है तो ये जो करेंट सिचुएशन है ये उसके लिए रेसिस्टेंस भी बनेगा तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए राइज करता है और वहां पे रेसिस्टेंस फेस करता है तो एक फॉल भी आपको देखने को मिलेगा जिसको आप कहते हैं पुल बैक और पुल बैक का एक और रीजन भी है वो आप नीचे देखेंगे अगर ये आर है आर को अगर आप नीचे चेक करेंगे ये देखिएगा अगर आप यहां चेक करेंगे तो आर लगातार फॉल कर रहा है एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे यू विल सी डिपिंग तो हो सकता है थोड़ा सा राइज करके रेसिस्टेंस फेस हुआ तो एक नीचे फॉल भी आपको देखने को मिलेगा और नीचे जो सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है सेवनटीन थ्री एटी का ये अगर ब्रेक हो जाता है तो सेवनटीन टू हंड्रेड के लेवल आपको देखने को मिलेंगे हालांकि मैं ऑलमोस्ट जो है पिछले कर, काफी वीक से वही लेवल्स रिपीट कर रहा हूं इट्स नॉट माई फॉल्ट निफ्टी जो है या मार्केट इस टाइम एक कॉन्सोशन जोन में है या रेंज बाउंड जोन में है इसको ब्रेक करके आगे बढ़ेगा तभी हमारे पास में नेक्स्ट मूव निकल के आएंगी और यही मैंने आपसे कहा था जनवरी में दिसंबर में कि आने वाला साल जो है वो लगातार जो है आपको रेंज बाउंड मार्केट प्रोवाइड करेगा इसलिए अपने जो इक्विटी से ज्यादा पैसे कमाने की मत सोचिएगा हाँ अपने आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके जो है ऑप्शन में यूज कीजिए इक्विटी में वही पिक कीजिए जो आपको ग्रोथ स्टॉक प्रोवाइड करते जिसको आप ग्रोथ स्टॉक कहते हैं उन्हीं को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा तो ये हो गया हमारे पास में अपर लेवल और ये हो गया हमारे पास लोअर लेवल अगर हम बात करें वॉलेटिलिटी की तो अगला वीक ज्यादा वॉलेटाइल नहीं रहेगा बिकॉज इस टाइम पे जो हमारा वॉलेटरी इंडेक्स है वो ज्यादा राइज की तरफ नहीं इंडिकेट कर हमारे लिए कंफर्टेबल जो है ये लेवल आराम से देखने को मिलेंगे बस एक दूसरे के ऊपर जो है ब्रेक कर होता चला जाए तो ठीक है और अगर ब्रेक होता रहा तो आराम समझ जाइएगा कि ये ब्रेक हो गया तो एज पर दी दॉलेटरी इंडेक्स ये लेवल आराम से अचीव हो जाएगा इसके ऊपर की क्लोजिंग एट तक जाएगा या पर मिला इधर आएगा ये बना तो नीचे आएगा इट्स अ वेरी क्लीन मूव तो आप क्या कर सकते हैं या तो एक स्ट्रटी बनाते हैं इसमें आप रेंज बाउंड रखिएगा या फिर आप बाय ऑन डिप या सेल ऑन राइज की जो है अपने लिए वो एक स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं दूसरा एक और चीज भी याद रखिएगा अगले वीक में हमारे पास क्या क्या सेक्टर्स से हैं उनके ऊपर फोकस करें तो हम एफ एम सी जी एफ ये सेक्टर हो गया आपके लिए आपको मैंने पहले भी एक जो दूसरे के शुरू हो गए तो फार्मा कंपनीज को डायग्नोस्टिक को फिर से फायदा होगा ओ जो भी ऑयल प्राइस जो राइज हुए हैं उससे ओ और रिलायंस जैसी कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा तो अगर आप रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं इस टाइम पे तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे विल गेट बेनिफिट ऑफ 1.5 बिलियन और जो है ओ एन थ्री बिलियन का प्रॉफिट होगा आईजीएल ने अभी रिसेंटली सी के और गैसेज के प्राइस बढ़ाए तो उसको भी काफी फायदा होगा तो इस तरह से आप जो है अपना नेक्स्ट वीक तैयार करें और अगर हम बात करें हाँ आई से थोड़ा दूर रहिएगा अभी आई कंपनीज के बारे में अभी आगे मत इन्वेस्ट कीजिएगा मेरे स्क्रीन के सामने नेक्स्ट वीक के जो रिजल्ट्स रेज, हैं उनको डिस्कस करते हैं माइंड्री है, है 18th को मेटेलिक टाटा मेटेलिक आ गया है एल एन टी इन्फोटेक एसी सी टाटा स्पॉन्ज आयर एंड मैसटेक आईसीआई सिक्योरिटीज एंजल ब्रोकिंग टाटा इलेक्सी एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज आई सी एस टाटा कम्युनिकेशन साइंस रैलीज इंडिया एटीन से लेके ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अप्रैल तक ये कंपनीज अपने रिजल्ट पोस्ट करने वाली हैं तो इनकी वजह से भी मार्केट जो है थोड़ा बहुत डाउन हो सकता है बिकॉज एज आई कैन सी दैट नन ऑफ दीज कंपनीज आर पुटिंग मोर वेटेज ऑन निफ्टी और इंडेक्स की बात करें इसलिए यस दे विल चीयर द मार्केट बट दे विल नॉट रीजन लिफ्ट द मार्केट और लेट द मार्केट फॉल चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में फॉर इंट्रा लास्ट जो क्लोजिंग रहा है एज पर आवर चार्ट इट सेवेंटी 475 और अगर हम बात करें एसडीक्स निफ्टी की तो वो है 17325 आपको याद होगा 17380 का लेवल हमारे लिए इस टाइम पे जो है सपोर्ट था तो ये अब नीचे है तो उसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हालांकि लेवल्स में आपको फोर सेवेंटी फाइव के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर रहा हूं लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको डिफरेंट लेवल्स भी समझ में आ जाएंगे अगर निफ्टी जो है सेवनटीन थ्री एटी को ब्रेक करता है वहां पे सपोर्ट लेता है और राइज करता है तो आप थ्री एटी के ऊपर भी बाई कर सकते हैं दूसरा सिचुएशन ऊपर ओपन करता है थोड़ा सा नीचे आके वापस सपोर्ट लेके राइज करता है तो भी आप यहाँ बाय कर सकते हैं गैप ऑफ ओपन हुआ राइज किया रेसिस्टेंस फेस किया फोर हंड्रेड का तो आप सेल भी कर पाएंगे तो ये सिचुएशन याद रखिएगा 380 एटी डज नॉट मीन एग्जैक्टली थ्री एटी यू कैन से इट इज ऑल्सो सेवनटीन फोर हंड्रेड तो फोर हंड्रेड उसके लिए बाय सपोर्ट बना तो बाय रेसिस्टेंस बना तो सेल की तरफ रहेगा और अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होता है तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा गैप अप में हमारे पास में सेवेंटीन फाइव हंड्रेड का लेवल रहेगा जो इस टाइम ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 175 पॉइंट्स पॉजिटिव में है हालांकि सेवनटीन के ऊपर जाके ट्रेड करना और उसके बाद में राइज करना इज यू कैन से अ टफ थिंग बिकॉज बहुत ज्यादा जो है आपको गैप ऑफ ओपनिंग मिलेगा उसके बाद राइज करना बट इम्पॉसिबल नहीं है अगर ऐसा हो तो सेवनटीन फाइव पॉइंट के ऊपर भी आप बाय कर सकते हैं लेकिन सिचुएशन ये है कि, कि जैसे मैंने कहा टेक्निकल पुल बैक भी हो सकता है तो यहां से अगर आपको सेल ऑन राइज की पॉसिबिलिटी मिले तो 17500 का एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस आपको मिलेगा वहां से आप सेल भी कर पाएंगे फ्रॉम हाइज तो ये लेवल हम यूज करेंगे फॉर निफ्टी फॉर मंडे बात करें अगर बैंक निफ्टी के बारे में बैंक निफ्टी में एक कंसोलिडेशन चल रहा है इस टाइम पे और ये कंसोलिडेशन है वो यहां पे है कि नीचे की तरफ जो है थर्टी है और ऊपर की तरफ 38000 है करंट क्लोजिंग है थर्टी सेवन फोर थ्री का अगर इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये जो रेक्टेंगल मैंने आपके लिए बनाया इसका जो लोअर लाइन है ये हमारे लिए सपोर्ट का, का काम करेगा नीचे आता है बैंक निफ्टी हिट करता है और हिट करने के बाद में राइज करना शुरू कर देता है तो समझ जाएगा यहीं से एक अच्छा जो है आपको बाउंस बैक मिलेगा लेकिन एच बैंक का रिजल्ट डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा बैंक निफ्टी को भी और वहां से आपको राइज देखने को मिलेगा पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू है वहां पे एस भी आपको सॉरी एस कह रहा हूं पी एस यू बैंक पी एस यू बैंक भी आपको अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे दोनों मिलके जो है आ, बैंक निफ्टी को भी लिफ्ट कर सकते हैं तो पहली पॉसिबिलिटी ये हुआ कि 350 से बाउंस करे तो बाय करेंगे 350 को ब्रेक कर दिया तो फर्दर फॉल आएगा अगर ये बाउंस बैक आता है तो 37500 का जो है यहां से बाय कर सकते हैं लेकिन ये नीचे ना आके ऊपर 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 राइज करे तो 37, 500, 550 के जाके आप इसको बाई कर सकते हैं जाए वहाँ पे होल्ड करें अपने आपको 500, 550 के आपके लिए थर्टी सेवन सिक्स आपको याद होगा पुराना सब है, पे आपको थोड़ा सा सेल जोन बन सकता है तो वहां बाय करेंगे तो इमीडिएटली अपना जो है पार्सल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा नीचे की तरफ मैं आपको इस यहां स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज की सलाह नहीं दूंगा यहां पे हम एक ही लेवल रखेंगे वो रखेंगे 350 का फॉर सेलिंग बाकी ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट बुक डेफिनेटली कीजिएगा लेकिन सेल ऑन राइज एज ऑफ नाउ हम नहीं करेंगे हाँ अगर कोई मुझे लेवल ऐसा नजर आएगा तो आई विल पोस्ट यू थ्रू माई टेलीग्राम बाकी जो लेवल्स मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली भी आप ट्रेड ले सकते हैं फॉर मंडे इन बैंक निफ्टी में हमारा पहला पिक रहेगा

तो वो तो आपको यहां मिलेगा और वहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा जस्ट आई वुड से हार्डली अब वन और टू पॉइंट या फिर ऑन कॉस्ट आप एग्जिट किया होगा उसके बाद में द थर्ड वन वॉज बंधन बैंक इन बंधन बैंक थ्री थर्टी फाइव अगेन यहाँ से आपको रेसिस्टेंस मिला और यहाँ से कच्चा फॉल अदरवाइज रेंज बाउंड रहा बहुत लंबे टाइम तक और ऐसी सिचुएशन में नो ट्रेड अगला था हमारे पास में जिंदल स्टील 563 का बाय था तो 563 क्लोज टू यहां से आपके पास में थोड़ा सा प्रॉफिट मिला होगा ऊपर की तरफ और फाइव आ, यू say, 68 का हमारा जो है फर्स्ट टारगेट ऑन कॉस्ट मिला होगा अदरवाइज ऐसी कंडीशन में कभी कभी हिट भी हो जाते हैं सेल हमारा था फाइव फिफ्टी थ्री वहां पर तो मिलेगा नहीं सो दैट इज इन जनरल पिक में हमारा पहला स्टॉक रहेगा एस बी आई जैसे मैंने आपसे कहा जब हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी के बारे में दैट पीएसयू बैंक्स भी थोड़ा सा राइज की तरफ लग रहे हैं और उसके पीछे का रीजन है ये ये उसका रिसिस्टेंस है ये उसका सपोर्ट है इस तरह के पैटर्न जो है वो ब्रेकआउट प्रोवाइड करते हैं और ब्रेकआउट उसमें निकल के आ रहा है फाइव का तो इनकेस फाइव ट्वेंटी के ऊपर एस बी ब्रेक कर देता है उसके ऊपर स्टे कर जाता है तो समझिएगा ये जो ब्रेकआउट पैटर्न है ये एक्टिव हो गया और स्टॉक राइज करेगा और वैसे भी एच डी एफ बैंक जो है स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर को तो एक बार में पुल कर सकता है बाद में चाहे पुल बैक आए सो बट इंट्राडे में तो एक दिन का हमें चाहिए यहां पे हमारे पास बाय बनेगा इसको ब्रेक करने के बाद में रेसिस्टेंस मिला या फ्लैट ओपनिंग किया तब तो ठीक है 515 के नीचे आप सेल कर सकते हैं अदरवाइज आप 520 को ऊपर जाए नीचे गिरे वहां रेसिस्टेंस फेस करे उसके बाद गिरना शुरू करे तो आप सेल ऑन राइज भी कर पाएंगे इन एस अगला ट्रेड रहेगा That will be -E -E क्या कर रहा है ये जो आप देख रहे हैं ये रेड लाइन जो है ये उसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है और यहां पे आने के बाद में आई एक्स -E फिर से जो है थोड़ा सा ऐसा पुल बैक कर रहा है जिसको आप बाउंस बैक भी कहते हैं कि यहां से हिट करके और राइज करेगा अगर ऐसा होता है तो आपके लिए बाय अच्छा बनेगा लेकिन याद रखेगा जो लास्ट कैंडल है ये एक ग्रेवस्टोन डोजी बना रही है ग्रेवस्टोन डोजी बेसिकली एक होती है, लेकिन ये गलत जगह पे है ये सबसे नीचे आगे है हो सकता है यहां से हिट करके ये राइज करना शुरू करें लेकिन पॉसिबिलिटी हम दोनों लेके चलेंगे तभी तो इंट्राडे कर पाएंगे इसकी जो करंट क्लोजिंग है अभी जो है टू थर्टी फाइव की क्लोजिंग है टू थर्टी फाइव टू ये हमारा करंट क्लोजिंग है नीचे की तरफ आपके पास में टू थर्टी थ्री या टू थर्टी टू को ब्रेक कर देता है ये आई एक्स तो एक बड़ा फॉल आएगा और वापिस से टारगेट आपको मिलेंगे टू से दे के टू के लेकिन अगर करंट सिचुएशन से बाउंस बैक किया और इसने 236 को ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो समझिएगा ये बाउंस बैक जो हम सोच रहे हैं ये अच्छा सा जाएगा और इस टाइम पे आई एक्स या जो भी पावर कंपनी से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो यहां से एक अच्छा जो है आपको बाय ऑपरचुनिटी मिलेगी तो इस कंडीशन पे सेल करेंगे उस कंडीशन पे बाय करेंगे आई एक्स अगला ट्रेड हमारे पास में है जी अब आई को कैसे बोल सकते हैं लगातार जो है सी का प्राइस आई थिंक एटी रुपीज के आसपास बढ़ गया है और डोमेस्टिक गैस का भी बढ़ गया है तो उसको सबको देखते हुए आई को काफी फायदा होने वाला है और ये जो है लास्ट कैंडल वो साइन दिखा भी रहा है ये करंट सिचुएशन में रेसिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट होने का मतलब है एक बड़ी मूवमेंट को इनिशिएट करना ऑल वी हैव टू डू इज करंट सिचुएशन जो है हमारे पास अभी करंट क्लोजिंग है वो 389 का है और 390 या थ्री के ऊपर का ही है ये ब्रेक होने का का मतलब है सीधा टारगेट रहेगा 410 का। तो और ये ब्रेक हो जाता है इसके ऊपर स्टे कर जाता है एक अच्छी मूवमेंट आएगी यहां पे आप जो है कॉल भी बाय कर सकते हैं नॉट जस्ट योर इक्विटी अगर आपको मौका मिले तो कॉल भी आप बाय कर लीजिएगा तो यहां से एक बड़ी मूवमेंट आपको मिलेगी जिसके बेसिस पे आप बाय कर सकते हैं यहीं पर रेसिस्टेंस मिला या फिर करंट में आपसे कहें कि आज की जो क्लोजिंग है 389 के तो 386 या 85 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तभी आपके लिए सेल इनिशिएट होगा अदरवाइज इन ऑल दी कंडीशंस वी आर इंडिकेटिंग बाय हेयर इन आईजीएल अगला स्टॉक रहेगा डाबर जैसे मैंने आपसे कहा एफएमसीजी जो है ऑयल कंपनीज फार्मा कंपनीज ये कुछ राइज़ करने के मूड में है और यहां पे दिख भी रहा देखिए लगातार जो है अगर आप इसको देखेंगे ये जो लाइन है जो मैंने ड्रॉ किया है ये उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है एंड दैट इज बीइंग प्लेस्ड अराउंड 560 560 डाबर का को ब्रेक करना ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर होल्ड कर लेना अपने आप को एक बड़ी मोमेंट को इनिशिएट करेगा तो उसको ब्रेक करने के बाद आप करेंगे बाय लेकिन यहां पे उसके पास रेजिस्टेंस है कई बार यहां से बाउंस बैक करके नीचे आ चुका है उस सिचुएशन में हमारे लिए एक अच्छा सेल बनेगा तो 560 को ब्रेक करने के बाद बाय या फिर अगर आपके पास में थोड़ा सा पेशेंस है तो 550 को ब्रेक करे तभी आप सेल कीजिएगा सेल ऑन राइज थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा उस कंडीशन में आपको एक अच्छा सा सेल भी देखने को मिलेगा डाबर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स अवेलेबल है जैसे हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम का लिंक है और कुछ डीमेट्स अकाउंट के लिंक्स हैं उनको जो आप यूज कर सकते हैं फॉर योर बेनिफिट्स प्लस कमेंट करना मत बंद कीजिएगा आपके कमेंट से हमें फ्यूचर टॉपिक्स के बारे में पता चलता रहता है और उसके बारे में आइडिया मिलता रहता है That's all for today, guys. I'll see you in my next video. Have a nice day. Take care.